आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त साल के 8वें महीने का 29वां दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म आज के दिन 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ध्यानचंद भारत के महान हॉकी प्लेयर थे। उन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयर्स में से एक माना जाता है। ध्यानचंद को अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है। ध्यानचंद भारत के महान हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने भारत देश को लगातार 3 बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। मेजर ध्यानचंद को दी विजार्ड कहा जाता था। हाल ही में पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। 29 अगस्त 1949 के दिन सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण कजाकिस्तान में किया गया था। इस परीक्षण को फर्स्ट लाइटिंग का कोड नाम दिया गया था। सोवियत संघ ने इस परमाणु बम की शक्ति का परीक्षण करने के लिए विस्फोट वाले स्थान पर कुछ रिहायशी बिल्डिंग बनाई थी। इसके अलावा कुछ जानवरों को भी पिंजड़े में बंद कर दिया था। इस परमाणु बम में बला की ताकत थी। कहा जाता है कि ये अमेरिका के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म आज के दिन 29 अगस्त 1958 में हुआ था। माइकल जैक्सन एक ऐसे स्टार थे जिन्हें आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग याद करते हैं। 1969 में माइकल जब महज 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ था, जो काफी हिट हुआ था। 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन का निधन हो गया था। कहा जाता है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई थी। 29 अगस्त 1998 के दिन भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। यह खिताब उन्हें 1997 में क्रिकेट में अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के लिए मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले सचिन 7वें खिलाड़ी थे। इस पुरस्कार के तहत सचिन को 1,00,000 रुपए की इनामी राशि, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 मेडल मिला। क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर को महानतम बल्लेबाज का दर्जा हासिल है। 29 अगस्त 2005 के दिन हरिकेन कैटरीना नाम के तूफान ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत में भारी तबाही मचाई थी। ये तूफान स्तर 4 का तूफान था। इसने $150 बिलियन की संपत्ति नष्ट कर दी थी और 1,300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस तूफान में 145 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस तूफान के आने की चेतावनी 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।